नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए अगेन फ्रॉम द 12th केमिस्ट्री एक और नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि मेरा पिछला वीडियो देखेंगे अगर आप, उसमें मिलेगा आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो आज हम समझने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर मत भूलिएगा, तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दिस फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहता है, देखिए अब आपकी 12th की एनसीईआरटी की बुकों में ज्यादातर जो रिएक्शन लिया गया आर गिव्स पी, ठीक है। तो हम R gives P नहीं लेंगे, ठीक है, ये और इजी बन जाएगा। इससे थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्ड हो, बुकों में काफी मुश्किल होता है समझना R gives P, फिर उसमें कैसे कैसे इक्वेशन आगे चल रही है। तो मैं आपको सबसे सिंपल वे में समझाता हूं। A gives P, मान लीजिए हमारा एक रिएक्शन है A gives B, ठीक है। तो A क्या रेट से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या है। तो मैं अभी स्पीड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो रिएक्शन की स्पीड होती है कि क्या ए किस गति से आपका रिड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब है हम रेट की बात करेंगे, ठीक है, क्या रेट से ए रिड्यूस हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या रेट से बी बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल हम एक ही चीज पकड़ के चलेंगे रिएक्टेंट को, कि इस रिएक्शन ए गिव्स बी में ए क्या रेट से कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो वो कैसे लिखेंगे, दिस इज नेगेटिव आर ए, याद रखिएगा ये जो ए है ये रिएक्टेंट है, और ये जो आर है, आर मतलब रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, ए के मद्देनजर ए क्या रेट से रिड्यूस हो रहा है, समझ रहे हैं आप, वो कैसे दिया जा सकता है। अब ये देखिए नेगेटिव साइन भी हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं बता देता हूं। दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव डी सी ए बाय डी टी। देखिए रेट जब भी आपने कुछ सुना होगा तो वो क्यों बोलते हैं, जब हम केमिस्ट्री में कोई भी पैरामीटर, देखिए सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा। अब देखिए एक मेरे पास सॉल्वेंट है, कॉन्सेंट्रेशन देख लेते, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है अभी, ठीक है। ए मान लीजिए वो क्या बोलेंगे, शुगर है, क्या है, ए शुगर है, क्या है, शुगर, ओके। तो ये है पानी, सपोज 100,000 ml पानी, क्या है, 1000 ml वाटर, ठीक है। ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है हमारा सॉल्यूट, शुगर क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, ओके। अब शुगर दी हुई है हमको 10 ग्राम, कितनी दी हुई है, 10 ग्राम। तो एक तरीका होता है जिससे हम ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोल्स इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो 10 ग्राम को हम इस फॉर्मूले का यूज करके मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और जितना 10 ग्राम कन्वर्ट होके मोल्स में आएगा फिर हम इसमें डाल देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मतलब कितना मोल्स आपने डाला। तो देखिए मान लीजिए 10 ग्राम इनिशियली आपका शुगर का वेट था, यानी कि ग्राम में था, ग्राम को यहां पर रखेंगे, यानी कि 10 ग्राम मैंने रखा, मॉलिकुलर वेट अगर जो भी होगा, मान लीजिए 100 है इसका, क्या बोलते हैं, शुगर का, तो कितना आएगा भाई, जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब मोल्स कितना आएगा, 0.1। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन, मोल्स किसका, सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम इन, मींस कितना है हमारा सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज 1000 ml, यानी कि यहां पे लिखना है वॉल्यूम इन ml। आई होप आपको क्लियर हो गया वो। तो मोल्स कितना है हमारा, 0.1 डिवाइड बाय सॉल्यूशन कितना है हमारा, 1000 ml का है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, सपोज मान लेते हैं 2 आ गया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर मोल्स था नीचे आपका लीटर हो गया। तो ये हो गई हमारी कॉन्सेंट्रेशन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं ये बताना कोशिश कर रहा था कि ये जो हमने लिखा है दैट रेट, क्या रेट से ए रिड्यूस हो रहा है, वो लिखा जा सकता है नेगेटिव डीसीए बाय डीटी। अगर उसे अच्छे से लिखेंगे, नेगेटिव साइन बाहर लगाया हुआ है, दिस इज नथिंग बट सी ए टू माइनस सी ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, समझ रहे हैं। ये है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की, ये हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए की। ये तब जब सी ए वन कॉन्सेंट्रेशन था तब टाइम क्या था, टी वन, जब सी ए टू कॉन्सेंट्रेशन था तब टाइम क्या था हमारा, टी टू। और ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू नेगेटिव आती है, सी ए टू माइनस सी वन, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है आपका रिएक्टेंट रिएक्ट होता है। और मान लीजिए आपने 10 ग्राम से स्टार्ट किया था CA1, ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अभी क्या लास्ट में सिर्फ 1 ही ग्राम बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CA2 की वैल्यू। तो जब हम CA2 माइनस CA1 लिखेंगे, ठीक है, फिलहाल तो एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट ग्राम नहीं होती है, मैं सिर्फ जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, वैसे तो होती है मोल्स पर लीटर, ठीक है, अपने अपने हिसाब से होती है मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो देखिए
तो सीए टू की वैल्यू कितनी आई, 1 - 10, तो कितना आया नेगेटिव 9। मतलब खुद ये नेगेटिव होता है, इसी वजह से इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव साइन बाहर लगता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये तो मैंने इसका मतलब बताया था आपको, तो फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है, ये तो जस्ट मतलब था। दैट इज इक्वल टू के सी ए रेज टू एन, ये है हमारा जनरल फॉर्मूला रेट बताने के लिए कोई भी रिएक्शन का। मगर जब हमारा जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो एन क्या बन जाता है, इक्वल टू 1, जैसे कि आपने 12th की केमिस्ट्री बुक में देखा होगा। एन इज नथिंग बट एक पावर होती है कॉन्सेंट्रेशन की। तो अब हम और अच्छे से लिखेंगे इन दोनों को, मतलब वापस लिख लेता हूं, एक बार काम करता हूं, जो रेट है क्या रेट से ए रिड्यूस हो रहा है वो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज नेगेटिव डी सी ए बाय डी टी इक्वल टू के सी ए रेज टू पावर 1। यानी कि यहां पर आप देखिए ये रेट ही है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जब कोई भी पैरामीटर आपका केमिस्ट्री में स्पेशली वो पैरामीटर कौन सा होता है, कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से रिलेट किया जाता है, तो वो रेट बन जाता है, समझ गए। और वो रेट किसका, आपके कॉन्सेंट्रेशन का। वो डिपेंड करता है कि आप किसका रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिएक्टेंट का क्या गति से वो रिड्यूस हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट का कि क्या गति से वो फॉर्म हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे लिखना चाहते हैं, मीन्स रिएक्टेंट का रेट लिखना चाहते हैं, तो हमेशा नेगेटिव साइन अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पैरामीटर्स को, मतलब इन दोनों को मैं साथ में, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, जैसे नेगेटिव डी सी ए बाय डी टी इक्वल टू के सी ए। देखिए ये जो सी ए है, ये सी ए क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, ए की, आपको पता चल गया होगा। देखिए कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, अगर आपका ये सॉल्वेंट 1000 ml है, पानी है, इसमें अगर आप चीनी के मोल्स बढ़ा दीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर आप चीनी के मोल्स घटा दीजिए तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। आई होप आपको समझ रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कोई भी मात्रा कोई भी चीज की एक सॉल्वेंट के अंदर आप बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी। एक और तरीका होता है, अगर आप इसमें सपोज सल्यूट, सपोज शुगर की मात्रा फिक्स रखी है 10 ग्राम, मगर आपने इसमें 1000 ml और पानी डाल दिया तो भाई वो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। आई होप आपको ये सारी चीजें हम मतलब समझ में आई होंगी। कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वो वीडियोस लेके आने की भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूंगा, ये जो सी ए है वो इसके नीचे ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे डी सी ए है तो इसके नीचे सी ए ले लिया है। आपकी बुकों में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बताया समझाया नहीं है, काफी शॉर्टकट मेथड लिए जाते हैं, तो इसको देखिएगा बहुत आराम से ये हो जाएगा। और ये जो डी टी है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लूंगा। मैंने क्या है, सिमिलर टर्म्स को अरेंज किया है, डी सी ए के नीचे सी ए ले लिया है मैंने और डी टी को इस साइड ले लिया, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग बाउंड्री लिमिट्स, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, जब मैंने रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं की, तो तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी सी ए इक्वल टू सी ए 0 हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो सी ए 0 है, जो मैं लिख रहा था ना शुगर स्टार्टिंग में 10 ग्राम थी, ये वो है, मगर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा लास्ट में सिर्फ चीनी कितनी रह जाएगी, 1 ग्राम। तो ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा सी ए रिस्ट यहां बेस में ही 0 भी लगाया जाता है, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सी ए 0, मगर जब टाइम कुछ पास हो गया, यानी कि जब टाइम टी इक्वल टू टी हो गया, क्या हो गया, टी हो गया, टी तो कितना भी हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रह गई, तब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना रहेगी, यही कॉन्सेंट्रेशन यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्शन होता जाता है, ए खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट बी बनता जाता है, तो सी ए इक्वल टू सी ए हो गया। तो मैं बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूं, तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या थी, सी ए 0, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में जो लिखा है ना, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये तो सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि तब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जब टाइम टी पास हो गया होगा, तब सी ए रह गया होगा। तो सी ए 0 था, जब कॉन्सेंट्रेशन सी ए 0 था, तो आपका टाइम क्या था, इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब टाइम हो गया है कुछ, तो यहां पर टाइम क्या आएगा, टी, तब कॉन्सेंट्रेशन क्या थी हमारी, सी ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करूंगा, ये पावर में, अगर ये नेगेटिव साइन आपको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं मत कीजिए, ठीक है, मगर इजी हो जाएगा इसका। तो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करने कैसे करूंगा, ये सी ए 0 को ऊपर पहुंचा दूंगा, सी ए को नीचे लेकर आ जाऊंगा,
जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है। तो यहां पे करता हूं देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा सी ए जीरो ऊपर, ये हो जाएगा सी ए नीचे, डी सी ए बाय सी ए इक्वल टू के इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी। क्लियर हो गया? ओके, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं वन अपॉन सी ए का, देखिए वन अपॉन सी ए का विद रेस्पेक्ट टू डी सी ए, तो ये क्या होगा एल एन सी ए। ओके, और ये जो आपकी बाउंड्री लिमिट्स है वो मैं यहां लिख देता हूं सी ए, और यहां पर हो गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू डी टी, ये क्या होगा सिंपली आपका क्या आएगा यहां पर टी आ जाएगा। ओके, और जो पावर है वो बाउंड्री लिमिट्स में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ओके, अब फाइनली ये पावर एक बार इस्तेमाल की जाएगी और एक बार ये पावर इस्तेमाल की जाएगी, मगर बीच में माइनस का साइन आएगा। तो एक बार क्या लिखूंगा मैं एल एन, दिस इज ये पावर जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा दिस विल बी सी ए जीरो, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद ये वाली पावर इस्तेमाल करूंगा सी ए, तो दिस इज एल एन सी ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू, तो वही चीज यहां पर भी करनी है, एक बार ये टी इस्तेमाल करूंगा यहां पर तो ये हो जाएगा टी, बीच में माइनस, एक बार ये जीरो इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा जीरो। क्लियर हो गया? ओके, अब आपको ये मालूम है एल एन सी ए जीरो अपॉन एल एन सी ए, इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है एल एन सी ए जीरो, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, एल एन सी ए जीरो माइनस एल एन सी ए, लेट मी चेंज माई दिस वन बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग फाइन। ओके, दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, तो एल एन सी ए जीरो आए, अभी माइनस के साइन होने की वजह से आप ऐसा लिख सकते हैं दिस इज एल एन सी ए, क्योंकि एक आपको मालूम होना चाहिए एल एन ए माइनस एल एन बी, इसको क्या लिखा जा सकता है एल एन ए अपॉन बी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इक्वल टू टी माइनस जीरो इज टी, तो दिस इज के टी। तो अगर आपको क्लियर हो गया, अब मैं ये मिटा देता हूं जरा, तो अगर आपको इसका रेट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है के, तो दिस कैन बी रिटन एज ये टी यहां पर चला जाएगा, तो दिस विल बी वन अपॉन टी एल एन दिस इज सी ए जीरो अपॉन सी ए। अगर आप बुकों का नहीं भी फॉलो करते और ये भी लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट ही होगा। तो ये हो गया हमारा मीन्स दिस इज एन इक्वेशन टू फाइंड आउट रेट कॉन्स्टेंट। के क्या होता है रेट कॉन्स्टेंट, सी ए जीरो क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी ए क्या है जब टाइम टी पास हो जाएगा तो उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कहने का मतलब एक ग्राम, ये सी ए है, समझ गए, और ये क्या था हमारा सी ए जीरो है, और जितना टाइम टी लगा। ओके, अब अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ किसको देख के बनाया जाता है ज्यादातर, आप किसको देख के बनाएंगे, हम इस इक्वेशन को देख के ग्राफ बना देते हैं। देखिए मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में इसको तो यहां पर एकदम एल एन सी ए जीरो अपॉन सी ए, कोई कंफ्यूजन? ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था, अब आपको याद है कि हम ज्यादातर स्लोप के ही लेते हैं, तो ये जो के साथ जो अटैच है वो आप राइट हैंड साइड पे यानी कि एक्स एक्सिस पे रख दो, तो आपका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा और इसकी जो स्लोप होगी दैट इज इक्वल टू के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा रिएक्शन। ठीक है, आपकी बुक में और क्या क्या दिया हुआ, देखिए मैं वो भी ग्राफ बना देता हूं, एक ये है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, अब आपकी बुक के हिसाब से बनाता हूं, के इक्वल टू वन अपॉन टी, अब ये एल एन को मैं यहां पे लिखता हूं, एल एन को लिखा जा सकता है 2.303 लॉग, क्या लिख सकते हैं लॉग, तो एल एन की जगह मैं क्या लिखूंगा 2.into लगा देता हूं 2.303 लॉग, और बाकी सब वैसे ही एल एन लॉग तो लिखी गया, फिर एल एन तो लिख रहा हूं दिस इज सी ए जीरो अपॉन सी ए, हो गया। ओके, एंड फाइनली अब मैंने क्या बोला था, अगर ये तो हो गया आपका, अब बारी है हमारी ग्राफ बनाने की, इसको भी देख के ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, एक काम करता हूं थोड़ी देर के लिए ये टी मैं इधर ले लेता हूं, किधर ले लेता हूं, इधर ले लेता हूं, वापस लिख लेता हूं के टी इक्वल टू 2.303, या कोई प्रॉब्लम नहीं है 2.303। अब जरूरी नहीं है, देखिए समझदारी के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना, ऐसा नहीं है जरूरी कि वही जो बुक में बनाना वही बनाना। ठीक है, अब बारी आती है इसके हिसाब से ग्राफ बनाने की, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इतना पोर्शन मैं कितना पोर्शन बना रहा हूं, दिस इज लेट मी चेक, मैं उसी हिसाब से बनाता हूं क्योंकि जैसा आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ओके देन दिस इज ओके, देखिए इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन मैं अगर यहां पे बनाता हूं, देखिए थोड़ा सा जगह की कमी है तो काम करता हूं यहां पे बनाता हूं। ठीक है, तो इतना ये जिसको मैंने सर्क ये मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल किया है इसको मैं यहां बनाता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लॉग दिस इज सी ए जीरो बाय सी ए, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मैंने बोला कि के से जो जुड़ा हुआ टर्म है वो टी यहां पे बना दीजिए, कोई कंफ्यूजन है, दिस इज टी।
एक्स-एक्सिस पे, वाई-एक्सिस पे आपने ये वाला टर्म बताया। अच्छा तो ये हमने इसका तो कुछ किया ही नहीं, तो एक बात बताइए अगर ये यहां पर है तो किसके नीचे आएगा, ये यहां पर आ सकता है ना। देखिए मेरा ये बोलने का मतलब है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है मैं वो भी बता देता हूं। देखिए अगर मैंने इसको यहां पे लिया है, के से जो जुड़ी हुई टर्म है वो यहां पे ले लिया है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका, ये स्लोप जो होगी वो के बराबर ही होगी, ठीक है। मगर आप ये सोच रहे हैं 2.303 का तो कुछ किया ही नहीं है, एक काम करते हैं इसको खींच के हम के अपॉन टी के नीचे ले आते हैं, क्या ले आते हैं के अपॉन टी, तो जैसे ये नीचे आएगा तो ये स्लोप क्या हो जाएगी, ये स्लोप होगी 2.303। अगर नहीं होता तो ग्राफ लगभग ऐसे बनना था, तब के नीचे नहीं लगाना था, मगर आपकी बुकों में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है तो फिर हमने उसी हिसाब से किया, ये 2.30 को इसके नीचे लेके आई है, मगर ये टी को तो हमने यहां रख दिया, तो स्लोप क्या बनेगी आपकी के अपॉन 2.303। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप सपोज ये बुक के हिसाब से भी नहीं चाहते और ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं चाहते, तो एक काम कीजिए, एक काम क्या करना है हमको कि सिंपल रखिए, ये जो पूरा राइट हैंड साइड है जैसा मैंने इस ग्राफ में बताया, ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड आप सारा का सारा वाई एक्सिस पर रख दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर स्लोप के नीचे 2.303 नहीं आएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस तरह से भी रेट निकाला जा सकता है, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ओके तो अब हम देखेंगे एग्जांपल, क्या देखेंगे हम एग्जांपल देखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई होप। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज योर, देखिए ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो एग्जांपल आता है, दिस इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, क्या इथीन, इथीन का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज C2H4, इसका हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं मतलब H2 ऐड कर रहा हूं, तो विल गेट दिस इज इथेन मिल जाएगा हमें, C2H6 इथेन मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि यहां पर जो रेट है नेगेटिव आर ए, ए कौन है हमारा इथेन, तो मैं ये काम करता हूं C2H4 ओके इक्वल टू के सी ए, अब ए कौन है हमारा, यही है C2H4 रेज टू पावर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर बुकों में आपका ज्यादातर ये लिखा हुआ रेट इक्वल टू के, फिर ब्रैकेट एक बड़ा सा लगाते हैं, ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है, क्या किसको दर्शाता है, H2H4 रेस टू पावर 1 लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, वैसे 1 ही होता है, नहीं भी लगाएंगे तो ये होता है, यानी कि साफ साफ लिख रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मगर तब पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। और दूसरी चीज, कुछ रिएक्शन होते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल, जो भी आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई होते हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, ब्रेक होते हैं, किसमें ब्रेक होते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, जो भी आपके क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं, तो वो भी आपके कौन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके पास, ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे रेडियम, रेडियम जब ये हैवी न्यूक्लियाई जब ब्रेक होता है, तो दिस इज इसका जो एटॉमिक मास ऊपर लिखा हुआ है, और ये रेडियम और ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर, जब ये ब्रेक होता है तो आपका हीलियम बनता है जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस रेडॉन, ठीक है, तो दिस इज Rn(II) एंड दिस 86। तो जब इसका ब्रेकिंग होता है, इस हैवी न्यूक्लियाई का ब्रेक होता है इन दो कंपोनेंट में, तो अब देखिए आपका रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आर्टिफिशियली भी होता है, बनाया जाता है, और नेचुरली भी जब इसका डीके होता है, जब ये ब्रेक होता है, तो ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। और कुछ गैसेस भी हैं, अगर मैं N2O5 लिखूं और एक लिखूं N2O, इनका जो डीकंपोजिशन होता है, मतलब जब ये ब्रेक होती है, तो ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करती हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या मतलब है इसका, कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है रेज टू पावर 1, मतलब इस फॉर्मूले में फिट होने चाहिए, किस फॉर्मूले में, नेगेटिव आर ए इक्वल टू नेगेटिव डी सी ए बाई डी टी इक्वल टू के सी ए रेज टू 1, इस फॉर्मूले में फिट होना ही चाहिए। अगर वो इसको बताता है एक्सपेरिमेंटली, तो दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ज्यादातर जो रेट है वो थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं किए जाते, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रेट निकाले
चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। हाँ, कुछ चीजें हैं, देखिए रेट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एक है और यही ग्राफ रह गया है जैसा बुकों में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा, तो इट्स क्वाइट इजी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। अगर कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है 12th केमिस्ट्री में तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।